धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित शिल्प और क्राफ्ट मेले में कई चीजें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और इसी बीच हमारे सहयोगी देवीलाल बारना ने मेला पहुंचकर हाथ दस्तकार से बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो चला हुआ है, इसमें क्राफ्ट और सर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ लगभग 250 जो शिल्पकार है वो पहुँचे हैं और जो हाथ के दस्तकार हैं, दस्तकार भी अनेकों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और अपनी जो कलाकारी है वो यहाँ दिखाई गई है। आप ये स्टॉल पर हम पहुँचे हैं, ये कैथल के रहने वाले हैं और इन्होंने गोल्डन टेम्पल को लेज़र के माध्यम से तैयार किया गया है। श्री राम मंदिर जो है अयोध्या में, उसका एक मॉडल तैयार किया गया है, एक बड़ा मॉडल जो श्री राम मंदिर है अयोध्या में, इसका काफ़ी बड़ा मॉडल भी इन्होंने ये तैयार किया है। इसमें बकायदा लाइट सिस्टम लगाया गया है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है, जो कि जो यहाँ पर्यटक हैं, पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम आपका? सर नमस्कार, सर मेरा नाम दीपक जांगड़ा है, हम कैथल से रहने वाले हैं, गांव थाना है मेरा, ये ब्रदर है मेरा प्रदीप जांगड़ा, हम दोनों मिलकर इस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और लास्ट छह महीने क्या आपने इसमें बनाया है? हमने इसके अंदर सर राम मंदिर और अपना गोल्डन टेम्पल, खाटू श्याम मंदिर, खाटू श्याम गेट और अपना ये कुशेत्र वाला जो रथ है, अर्जुन रथ, वो बनाया है। मतलब और सी बहुत सी यूनिक आइटम हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आइटम बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम की वजह से हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है सर। अब जैसे श्री राम मंदिर आपने अयोध्या का जो मॉडल है वो पूरा मॉडल तैयार किया है, क्या कीमत इसकी रखी है और कितना आकर्षण लोगों का इसकी ओर? सर हमने इसके अभी रीजनेबल रेट रखे हैं क्योंकि हम लोकल हैं, हमने उस हिसाब से इसका अभी 10,000 रुपये प्राइस रखा है क्योंकि इसके ऊपर हमारी 8 से 8.5 हज़ार रुपये 9,000 तक की कॉस्टिंग आती है, तो हमने 1,500 का इससे ज़्यादा मार्जिन रखा। अगर अदर स्टेट में हम इसके रिस्पॉन्स देखें तो हमें 20-25 हज़ार तक के हमारे ऊपर इसके ऑर्डर आ रहे हैं, बोल रहे कि हमारे पीस बनाओ, 20-25 हज़ार तक हम आपको पे कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के भी 25-30 पीस का ऑर्डर आया हमारे पास, तो अभी काम कर रहे हैं और लोकल होने की वजह से हमने लोगों को पहले बता रहे हैं कि जो काम है ये हम खुद बनाते हैं। तो कितने लोग आ जाते हैं डेली? आज थर्ड डे है तो कितने लोग यहाँ पहुँच जाते हैं? हमारे पास कम से लगा लो सर 5 से 6 हज़ार लोग डेली विजिट कर रहे हैं, डेली कम कर रहे हैं। तो खरीदारी करते हैं? खरीदारी करे सर, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा, फीडबैक बहुत अच्छे दे रहे हैं सर। तो जैसे आप ये बनाते हैं अलग अलग मंदिर, ये केदारनाथ मंदिर है या जो अयोध्या मंदिर है या जो श्री कृष्ण अर्जुन रथ है वो बनाया गया है, किस मटेरियल का आप इसमें प्रयोग? इसके लिए सर हम MDF मटेरियल आते हैं, एक शीट आती है पाइन MDF, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो 8x6 की शीट होती है, उसमें से लेजर कटिंग के द्वारा ये बनते हैं और हमारे कम से कम 6-7 लेडीज़ हैं और 5 से 6 लड़के हैं जिनको हमने काम दे रखा है, उनके सहयोग से पूरे ग्रुप के टीम वर्क के हिसाब से हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो प्रशासन का सहयोग पूरा मिल रहा है? प्रशासन का भी तो मतलब ये है कि है ही, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है ही, मतलब प्रशासन भी हमारा सहयोग दे रहा है, जो हमें स्टॉल लगाई है प्रशासन के। तो पहले भी कभी गीता जयंती पे आप स्टॉल लगाने? फर्स्ट टाइम आई है सर हम यहाँ। तो पहली बार आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब लोगों के फीडबैक रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है, हमको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं हम सर, वो बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा ग्रेट वर्क स्टार्ट किया ये और बहुत रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है सर हमारे इसके ऊपर। ये थे हमारे साथ दीपक जांगड़ा, इन्होंने श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका मॉडल तैयार किया है, गोल्डन टेम्पल है उसका मॉडल तैयार किया है, श्री कृष्ण अर्जुन रथ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहता है उसका मॉडल तैयार किया है, इसके अलावा भी अनेकों मॉडल इन्होंने तैयार किए हैं और जो कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, खबर फास्ट।